भाई के साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया गाइस। मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी है उस आईडी सेलर की, तो गाइस आप वो ऑडियो सुन लो फिर आपको पता लग जाएगा। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है, कम से कम उसके कितने रुपए लग गए। तो गाइस प्लीज ये ऑडियो सुन लो। मैंने आपको एक बच्चे से बात करवाई थी सीजन जो 1 की आईडी थी, तो आपने उसको आईडी दी नहीं यार। दे दूंगा यार। नहीं, ऐसे कौन सी बात होती है आपको, पहले उसने पेमेंट सेंड कर दिया 4,000 फिर फिर 4,000 सेंड किया, उसके बाद में और सेंड किया आपको 4,000। कहाँ से बोल रहा भाई तुम? अरे पहचाना नहीं क्या जो गिल्ड में थे साथ में एक साथ? अरे पहचान गया, मैं दे दूंगा उस लड़के को, मेरे पास नंबर है, उसको दे दूंगा मैं। नहीं तो पीछों लग क्यों मर रहा है? नहीं अरे भाई, मैंने आपसे बात कराई थी ना उसकी आईडी की, तो आपको देनी चाहिए ना उसकी आईडी। तो बात होगी ना, आपने बात करवा दी, बस मैं दे दूंगा उसको। तो भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, आप यार उस बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो यार। छोटा सा बच्चा है वो, 10-15 साल का बच्चा है यार। आप मैं उसने मेरे भरोसे पे ली आईडी, तो आप कैसे कर सकते हो यार ये? मेरी तेरे से बात इतनी हुई थी, तो बस मेरे पास कस्टमर ले आया था, मैं उससे बात करूंगा, जो भी रेट फिक्स होगी मैं आईडी दूंगा नहीं दूंगा मेरी उससे बात कर लूंगा मैं। तेरा सिर्फ मेरे को बस ग्राहक से मिलाना था, बस इतना ही काम था। अरे भाई ग्राहक से मिलाना था तो ये क्या मतलब हुआ यार उसकी आईडी? आईडी मैं दूंगा ना दूंगा, सीजन फर्स्ट की हो, ऐसे रेयर आईडी ऐसे कैसे दे दूं मैं बता। तो भाई आपको पेमेंट की है, ऐसे कैसे नहीं दोगे यार? ऐसे पेमेंट, भाई पेमेंट बोला था उतना तुमने दिया नहीं यार मेरे को। अरे भाई आपने तो 7,000 बोला था, उसने 8,000 दे दिया आपको चार चार के। अरे पहले मैंने बोला था 15,000 है, आपको बोला था यार आप नहीं, कम नहीं, कम करके मेरे को। अरे भाई यार मेरा माइंड ब्रेन कर दिया, तो वॉश कर दिया। नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आपने जितना बोला था उतना दिया यार। आप वो वाली बात मत करो, स्कैमरों वाली बात कर रहे हो यार, ये गलत बात है। किसी की आईडी रखना क्या होगा? क्या क्या बोला तूने? स्कैम कर रहा हूँ मैं? हाँ तो आप स्कैम ही कर रहे हो। चूतिया सारे, मैं स्कैम कर रहा हूँ मैं सारे? तो स्कैम तो तुम कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ, सारे पैसे ले लेके आ जाते हो, चाहे आईडी बर्बाद कर रहे हो, नहीं देता आईडी में। और भाई साहब ऐसे मत बोल रहे हो यार किसी के बारे में, वो बच्चा छोटा सा है यार, वो बोला नहीं। तो गाइस आपने ऑडियो सुनी चुके उस कैमरों के बारे में, तो गाइस वो क्या बोल रहा है देख लिया आपने? वो लास्ट में गालियां देने लग गया था। हाँ गाइस वो लास्ट में गाली दे रहा है, तो उस भाई के कम से कम 8,000-9,000 रुपये पेमेंट कर दिया, फिर भी आईडी नहीं दिए। तो हाँ तो अभी तक नहीं आईडी है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो आप यूट्यूबरों से देख देख के आईडी लेते हैं बट कोई भी आईडी नहीं देता, सबके सब स्कैमर होते हैं, सीजन 1-2 की आईडी रखेंगे और आपकी आईडी गाइस के पैसे ले लेंगे, मगर वो पैसे लेने के बाद भी आपको आईडी नहीं देने वाला। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप ऐसे स्कैम में मत पड़ना, और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ अगर आप ऐसे स्कैम में पड़ोगे आपके पैसे लग जाएंगे। अगर आप आईडी दे के आईडी एक्सचेंज करके थोड़े बहुत पैसे देते हो तो वो भी लग जाएंगे। तो हाँ गाइस सब कुछ लगने वाले, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ऐसा मत करो। स्कैमर हैं सबके सब यूट्यूबर, चाहे कोई भी आईडी सेल कर, जो 1 मिलियन हो 2 मिलियन सब के को पैसे मिलते हैं यहाँ पे आईडी सेल करने के, उनको 50,000 महीने के मिलते हैं गाइस। हाँ तो कई यूट्यूब ने खुद ने बोला हाँ हमें 50,000 रुपये मिलते हैं। तो गाइस एक बार और बता तो मेरे को, आप ये जो फ्री फायर जो हमारे प्ले स्टोर में से हट गया है वो गाइस ग्लिच कुछ नहीं है, वो वापस आ जाएगा, क्योंकि क्राफ्टोन है ना वो पबजी का, उन्होंने केस कर दिया है फ्री फायर के ऊपर, इस कारण से हो गया। तो गाइस ये थोड़े दिनों में हमारा रिकवर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को शेयर करना अच्छी तरीके से ताकि सबको पता चले कि कितने सारे स्कैमर यहाँ पे हो चुके। तो हाँ गाइस इतने सारे स्कैमर हो चुके कि आप आईडी वाई सेल करने में भी आपको डर लगेगा, क्यों अपने इतने पैसे लगने वाले गाइस। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस।